won't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Hello students, welcome back to my channel e-learning accounts and maths. So let's do question number 4th of exercise 1A, that is number system. The question is, find 3 rational number between 3 by 5 and 7 by 8. How many rational number can be determined between these two number? Last video में हमने third question solve किया था, जिसमें पूछा था एक इन दोनों के बीच में एक rational number, और वहाँ पे हम formula use किए थे, लेकिन यहाँ पे हम वो वाला formula use नहीं करेंगे, यहाँ पे हम दूसरा trick use करेंगे, ठीक है? तो देखिए 3/5 और 7/8, इसमें 3/5 क्या हो जाएगा? X हो जाएगा और 7/8 Y हो जाएगा. देखिए जब भी डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, तो जब भी टू रैशनल नंबर दिया हुआ है जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, तो हम क्या करते हैं, X की वैल्यू में Y के डिनोमिनेटर से इंटू करते हैं न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में. देख लीजिए X इज इक्वल टू 3/5 इंटू Y के डिनोमिनेटर क्या दिया, 8 दिया हुआ है, तो हम ऊपर नीचे दोनों को 8 से इंटू करेंगे. 8 कितना आ जाए, 24, 8 5 40. Y में हम वही सेम चीज करेंगे, क्या करेंगे, X Y में हम करेंगे X के डिनोमिनेटर से Y में ऊपर नीचे इंटू करेंगे, 7/8 इंटू 5/5. अब हम क्या करेंगे, 7 को 5 से इंटू करेंगे, 7 5 35, 8 5 40 हो गया. अब देखिए n की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे, 3. जो 3 होती है यहाँ पे वो n की वैल्यू होती है. देखिए n इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं, 1 ऐड करते हैं. n प्लस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 जाता है, ठीक है. अब देखिए क्या करते हैं, x कितनी दी हुई है, x इज इक्वल टू 24/40, जिसमें से हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को हम क्या करेंगे, x की वैल्यू में n की वैल्यू को इंटू करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, क्या हो जाएगा, 96/160, ठीक है. अब सेम वाई में हम वही करेंगे, वाई की वैल्यू कितनी आई, 35/40 आई थी, तो 35/40 में हम एन की वैल्यू पुट करके 4/4, 5 4 20, 4 3 14 और 60, ठीक है. अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि हमको क्या फाइंड करना है, 3 रैशनल नंबर फाइंड करना है, इन दोनों की भी एक्स और वाई में 3 रैशनल नंबर हमको फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा गैप है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं, 96 और 140 के बीच बहुत ज्यादा गैप है, तो हम ऐसे नंबर लेंगे कि तीनों इक्वल इक्वल, मतलब तीनों में इक्वल इक्वल नंबर पुट करेंगे. जैसे 96 में हम 11 ऐड करेंगे, आप कोई सा भी नंबर ऐड कर सकते हैं, 10 ऐड कर सकते हैं, 12 ऐड कर सकते, ऐसे ऐड करेंगे 140 से, और 96 से ज्यादा है 140 से कम है, लेकिन हमको 3 रैशनल नंबर लेना है. 96 11 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 107 और 160, ठीक है. अब देखिए 107 11 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 118 और 160, और 118 में अब ऐड करेंगे अब 11, तो कितना हो जाएगा, 129/160. अब देखिए 107 आ गया, 160 आ गया, 118, 160 और 129/160. अब इसमें ऊपर नीचे दोनों अगर कैंसिल हो तो कैंसिल कर सकते हैं हम, जैसे ये कैंसिल हो रहा है, 2 देखिए कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा, 2 5 10, 2 9 18, 2 8 16, 0, और ये दोनों कैंसिल हो नहीं सकता, तो हम लिख देंगे 107 है ना, 107 और 59/80, 129/160. इसमें ऐसा नहीं कि जो आंसर है वही आंसर है, इसमें कोई, बस आपका अगर ट्रिक सही है, फॉर्मूला सही है, तो आंसर कोई भी है ये सही होता है, यही इसका आंसर होगा. अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन नंबर 5. क्या है, फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 5/7. इसका देखिए डिनोमिनेटर सेम है, इसमें हमको डायरेक्ट क्या पुट करना पड़ेगा, बस n की वैल्यू, n की वैल्यू कितनी दी है, 4, इसमें क्या ऐड करते हैं हम, 1, n प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 5 आ गया. अब देखिए n x कितना दिया है, 3/7,
y इज इक्वल टू 5/7। अब देखिए x इज इक्वल टू, हमको डायरेक्ट n की वैल्यू, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो हम डायरेक्ट सिर्फ x और y में 5 से डिवाइड, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 15, 7 5 35, y की वैल्यू वैल्यू कितना है 5/7 इंटू 5/5 इज इक्वल टू 25/35। अब इन दोनों के बीच में बहुत गैप है, 15 और 35 के बीच में। देखिए जब भी ये दोनों कैंसिल हो रहा है एक दूसरे से, लेकिन यहाँ पे हम कैंसिल नहीं करेंगे। 25 35, इसमें कितने रेशियो पूछ रहा है, 4 पूछ रहा है। तो अब हम इसमें इसके बीच में, इन दोनों के बीच बहुत गैप है, तो हम बस कितना रेशियो लिखेंगे, 4। 15 तो हम दो दो गैप ले कर सकते हैं, जैसे 15 का हो जाएगा 17/35 और 19/35, 21/35, एक और हो जाएगा 23/35। ठीक है, ये इसका आंसर होगा 17/35, 19/35, 21/35, 35 और 23/35। जरूरी नहीं कि आंसर सही निकले, लेकिन इसमें आंसर नहीं देखते, इसमें बस मेथड देखते हैं, यही इसका आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। इफ यू लाइक माई वीडियोज देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स।